हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो थोड़ा सीरियस टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैंने पहले काफ़ी बात की है, लेकिन आज मैं थोड़ा खुल के बात करना चाहता था इसके बारे में और एक सच्चाई जो है उससे आपको रूबरू कराना चाह रहा था कि बॉडी बिल्डर्स जो हैं, जिनको हम लोग आइकॉन मानते हैं हेल्थ का, फिटनेस का, बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनको अपना आइडल लेके चलते हैं, वो क्या सच्चाई में हेल्दी हैं? और अगर वो सच में इतने हेल्दी हैं तो वो इतनी छोटी उम्र में क्यों मर रहे हैं? उनकी डेथ्स क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा? ईयर 2021 अलोन अब तक 10 इंटरनेशनल ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर्स मर चुके हैं सिर्फ इसी साल में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी जो बॉडी बिल्डर्स हैं जिनको हम लोग इतना नहीं जानते हैं उनकी डेथ रेट कितने ज़्यादा होंगे। बहुत सारे रिवीलिंग फैक्ट्स हैं जो सारे आपको बताऊंगा आज के वीडियो में, और प्लीज़ गौर से देखिएगा। और बहुत सारे थॉट्स हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए बिफोर यू ट्राई टू गो इन टू द वर्ल्ड ऑफ बॉडी बिल्डिंग। आई रिपीट अगेन, नॉट इन टू द वर्ल्ड ऑफ फिटनेस, इन टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग। कीप ऑन वॉचिंग, वील बी बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। दोस्तों, जैसा मैंने बताया एक थोड़ा सीरियस टॉपिक है और इनफैक्ट जो गेम है बॉडी बिल्डिंग का वो खुद भी एक बहुत सीरियस गेम है। और हम लोग सोचते हैं कि बॉडी बिल्डिंग या जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग है वो फिटनेस के बारे में है, अपनी फिजिक को दिखाने के बारे में है, हेल्दी दिखाने के बारे में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खासकर आज के जो टाइम्स हैं, जो प्रेजेंट टाइम्स हैं, इनके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। आज का टाइम में गेम इस चीज का बन गया है कि आप अपनी बॉडी को किस एक्सट्रीम लेवल तक पुश कर सकते हैं, केमिकल यूसेज से, अपने फिजिकल हार्डवर्क से, अपने न्यूट्रिशन से, तीनों के कॉम्बिनेशन से। और इस लेवल पे ले जाने लगे हैं लोग इसको कि लोगों ने फिक्र करना छोड़ दिया है कि उनकी लाइफ की कॉस्ट अपनी बॉडी को एक्सट्रीम पे ले जाने से कहीं ज्यादा है। ईयर 2021 अभी हम लोग सिर्फ नवंबर में हैं और इस साल 10, जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रो में, कि 10 प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हम लोग लूज कर चुके हैं। रिसेंटली शॉन रॉडिन, जो मिस्टर ओलंपिया हैं 3 साल पहले के, उनकी डेथ हुई। रीजन, हार्ट अटैक। उससे पहले काली मसल्स की न्यूज आई, वो भी बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं अमेरिका के और ऑल ओवर वर्ल्ड के। ही इज ऑल्सो इन हॉस्पिटल सफरिंग अ मासिव कार्डियक अरेस्ट। तो आप समझ सकते हैं कि बॉडी बिल्डर्स हेल्दी तो नहीं है। रीजन वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देता हूं। 2017 से 2020 तक 40 बॉडी बिल्डर्स की डेथ हुई और इन 40 बॉडी बिल्डर्स के अंदर जो रीजन ऑफ डेथ था, 21 लोगों का कार्डियक अरेस्ट था, 4 लोगों का स्ट्रोक या फिर सुसाइड था और बाकी 3 लोगों का पल्मोनरी प्रॉब्लम्स थी, जैसे निमोनिया या कोई निमोनिया से या लंग से रिलेटेड डिजीजेस। 3 बॉडी बिल्डर्स का डेथ का रीजन था किडनी फेलियर। बाकी जो रिमेनिंग थे उनके कुछ नेचुरल थे या अननोन या कोई कार एक्सीडेंट वगैरह थे। और इसमें फीमेल बॉडी बिल्डर्स भी अछूती नहीं है। एक फीमेल बॉडी बिल्डर इसी साल सारा ग्राहम नाम से कार्डियक अरेस्ट से डेड पाई गई अपने रूम के अंदर, होटल रूम के अंदर, और आप बिलीव नहीं करेंगे उसकी एज थी सिर्फ 26 ईयर्स। कैन यू बिलीव, आधी 1/4 भी उम्र शायद उसने भी ना देखी हो। एंड एक स्टडी हुई यूएस के अंदर, सैन डिएगो के अंदर, जिसमें पाया गया कि क्योंकि अमेरिका में ये चीजें ओपनली मिलती हैं और उन पर इतने ज़्यादा लीगल प्रोहिबिशंस नहीं हैं, दैट्स वाई आप जो ओलंपिया वगैरह देखते हैं मोस्टली बॉडी बिल्डर्स अमेरिकन ओरिजिन के होते हैं। तो उसमें पाया गया कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं करंट टाइम के, उनकी एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी 34% लेस है। यानी कि अगर एक नॉर्मल बंदा 100 ईयर्स जीता है तो ये लोग सिर्फ 66 ईयर्स जीते हैं। अगर बॉडी बिल्डिंग हेल्थ के बारे में होता या फिटनेस के बारे में होता तो ये इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती या ज्यादा होती? कॉमन सेंस की बात है, आप सोच सकते हैं। रही बात रीजंस की,
देखिए, बहुत एविडेंट है और खुला है कि बॉडी बिल्डर्स जो प्रोफेशनल हैं और वो सब लोग स्टीरॉइड्स और मेडिसिन्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन अब गेम सिर्फ स्टीरॉइड्स तक नहीं रही है। आज के ज़माने में, पिछले कुछ 10-12 साल में साइंस ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है और नॉलेज इतनी ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई है हम लोगों को कि खुद भी लोग R&D यूनिट्स ला लगे हैं अपने जिमों के अंदर और अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। दे टेक हेल लॉट ऑफ ड्रग्स विच आर नॉट इवन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कुछ ड्रग्स तो ऐसे हैं जो इक्वाइन पर्पज के लिए या एनिमल फार्म्स में यूज होने वाले होते हैं। स्टेरॉइड छोड़िए, पेप्टाइड्स यूज होने शुरू हो गए हैं, साम्स यूज होते हैं, आपके हार्मोनल सप्लीमेंट्स यूज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, IGF फैक्टर 1, 2, 3, पता नहीं आपको, मैं सारे नाम नहीं बताना चाहता हूँ ऑब्वियसली फॉर सम सेफ्टी पर्पस एंड आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज ऑल दोज नेम्स। बट यस, आप सब लोगों को, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं कि मेरी बेसिक फर्स्ट क्वालिफिकेशन जो थी वो ठीक है। एज अ फार्मासिस्ट मैंने अपना फर्स्ट डिग्री ली थी, तो केमिकल नॉलेज मुझे बहुत अच्छी खासी है। उसके बाद में व्हेन आई वेंट इनटू स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड फिटनेस एंड ऑल दोज थिंग्स, द पाथ इज सो लॉन्ग जो मैंने ट्रैवल किया। तो केमिकल नॉलेज हो, न्यूट्रिशन नॉलेज हो या फिजिकल बॉडी की नॉलेज हो, उसकी सारी नॉलेज मुझे है और मुझे पता है कि क्या होता है इंडस्ट्री में, क्या नहीं, बींग एन इंडस्ट्री इनसाइडर। और यू आर हियरिंग फ्रॉम द पर्सन्स माउथ हु नोज द इन एंड आउट ऑफ द इंडस्ट्री। इस लेवल के मेडिसिन यूज किए जाते हैं, इंसुलिन्स, थायराइड से रिलेटेड ड्रग्स, अपना फैट बर्न करने के लिए। इनका इफेक्ट मेन 5 ऑर्गन्स पे होता है, आपके आपके हार्ट पे सबसे पहला इफेक्ट। जो डिजीज होती है या जो एक एक सिम्टम्स हैं या जो एक डायग्नोसिस होता है इन बॉडी बिल्डर्स का, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट बहुत कॉमन है, सबसे ज्यादा जैसे मैंने बताया कि कार्डियक अरेस्ट है, वो है कार्डियोमेगाली। उसके बाद में अफेक्ट होता है इनके किडनीज पे, जो सारे डायूरेटिक्स वगैरह यूज करते हैं ये लोग अपने फैट बर्न करने के लिए, बॉडी फैट परसेंटेज को नीचे लेकर आने के लिए। सेकेंड लेवल पे किडनीज का असर पड़ता है। थर्ड लेवल पे ये जो इतने भी स्टीरॉइड्स हैं और हार्मोन्स हैं, ये आपको मेंटली अनस्टेबल करते हैं, आपके एग्रेशन बढ़ा देते हैं। दैट्स वाई नर्वस ब्रेकडाउन और सुसाइड भी एक बहुत बड़ा रीजन है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, लंग्स को अफेक्ट करती हैं, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं, आपको नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं। तो देखिए, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बॉडी बिल्डर्स की, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो का मकसद यही है, आपको बताना, अवेयर कराना कि बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हुए खतरे कितने ज्यादा हैं। और अगर आपको सही में बहुत ज्यादा जुनून है, बहुत ज्यादा जज्बा है आपके अंदर और आपको लगता है कि आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना चाहिए, तो आप बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लें। और अगर नहीं लगता है कि आप ये सब कर सकते हैं, तो अपने को फिट रखें, हेल्दी रखें। आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ से जुड़े हुए लोगों के लिए और आपके खुद के लिए। और अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में जाना भी चाहते हैं, तो मेरी सलाह है आप लोगों को कि प्लीज अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व रखें इस डिसीजन के अंदर और साथ में मिलकर डिसीजन लेंगे। इतने बड़े बड़े नाम हम लोगों ने खोए हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर कि आप चाहें तो नेट पर ढूंढ सकते हैं इनको, रिच पियाना, मैकग्रेगर, सारा ग्रहम, जैसे मैंने अभी नाम बताया आपको, फ्रैंको कोलंबो, रिसेंटली शॉन रोडन। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स और ओलंपियंस हैं, जिनके साथ में न्यूट्रिशनिस्ट, कोच, डॉक्टर्स हर वक्त लगे रहते हैं। अगर इस लेवल के लोग जो इतना ज्यादा मॉनिटर होते हैं, वो डेड हो सकते हैं, वो अपनी लाइफ खो सकते हैं, तो जो हमारे जिम्स का लेवल है, जो हमारे फिटनेस के जो कोचेज हैं उनके एजुकेशन का लेवल है, उनकी गाइडेंस में हमारी जान को कितना ज्यादा खतरा होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। मेरी सिंपल सलाह ये है कि प्लीज अपनी फैमिली के साथ मिलकर डिसीजन लें अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं। उसके बाद में ये सब चीजें डिस्कस करें उनके साथ में कि ये खतरे हैं, और कोशिश करें कि अपने आप को जितना ज्यादा बचा सकते हैं उतना ज्यादा बचाएं, एक प्रोफेशनल टीम का सहारा लें और उसके बाद में इस गेम की तरफ जाएं। नहीं तो फिटनेस,
स्ट्रेंथ और लॉन्जिविटी की जो गेम है वो बेस्ट है और आपके साथ उम्र भर चलती है, आपको फिट रखती है लंबे टाइम तक। तो इस वीडियो का मेन मकसद यही था कि आपको अवेयर कराया जाए, और एक हम्बल रिक्वेस्ट था कि प्लीज़ अपने आप को इन सब चीज़ों दूर रखें। अगर आपका कोई कोच है या दोस्त है या आपका कोई जानकार है जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है और आपको प्रोवोक करता है या आपको इंस्टिगेट करता है कि आप भी यूज़ करें, तो प्लीज़ इनसे बचें। अगर कोई चीज़ छुपा के भी देता है तो प्लीज ना जानने की कोशिश करें कि उसके अंदर क्या है, और उस पर नेट पे रिसर्च करने की कोशिश करें उसके बारे में। अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी चीज के बारे में या किसी चीज के बारे में, इस चीज के बारे में आपको सलाह लेनी है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी जो दी है उस पर मेल लिख सकते हैं, एंड आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड टिल द टाइम वी ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग एंड फील द पावर।